आज की वीडियो में बात करेंगे आईटेल के विजन 2S स्मार्टफोन की। जी हाँ दोस्तों, आईटेल जो कि भारतीय बाजार में फीचर फोन की कैटेगरी में तो नंबर वन कंपनी है ही, अब वो 7000 सेगमेंट के स्मार्टफोन में भी नंबर वन कंपनी बन गई है। तो आईटेल के बारे में बात करना बनता है और आईटेल को इस सफलता दिलाने वाले स्मार्टफोन में ये विजन 2S का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आज की वीडियो में हम इसी की बात करेंगे, इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और देखेंगे कि आखिर इस स्मार्टफोन में ऐसा क्या मिल रहा है जो Xiaomi, Realme जैसी कंपनियां नहीं दे पा रही हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं आईटेल के इस विजन 2S में क्या है खास। तो ये है आईटेल का विजन 2 स्मार्टफोन। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे बॉक्स पे एक बड़ा सा स्मार्टफोन यहाँ आपको नजर आ रहा है, नंबर वन जो कि कंपनी ने अपना जिक्र किया है स्मार्टफोन ब्रांड अपने आप को बताती हुई आईटेल। और जाहिर सी बात है कि फीचर फोन के बाद अब ये 7000 की जो सेगमेंट है उसमें भी ये नंबर वन बन चुकी है। फोन की अगर हम राइट साइड की बात करें यहाँ पर तो आपको कुछ इसके स्पेसिफिकेशन यहाँ नज़र आएंगे। इसमें 6.52 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है, 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है, 2GB रैम इसमें मिलेगी, साथ ही आपको वन टाइम जो स्क्रीन रिप्लेसमेंट है वो आपको मिलने वाला है, वो एकदम फ्री है, जो कि आपकी 100 दिन करीब करीब 3 महीने से थोड़ा सा ऊपर आप कह सकते हैं कि आपको स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिलेगा। दूसरी तरफ फ़ोन के नाम की ब्रांडिंग है, पीछे की तरफ इसके कुछ और स्पेसिफिकेशन जो कि हैं उनका जिक्र किया गया है। इसको अगर इस तरह से आप देखें तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का AI डुअल रियर कैमरा मिलने वाला है। एंड्रॉयड 11 गो एडिशन पर ये रन करेगा। आपको डुअल सिक्योरिटी मिल जाती है फिंगरप्रिंट के साथ, आपको फेस अनलॉक भी आपको इसमें मिलेगा, साथ ही आपको डीएल 4G जो सिम है ये स्टैंड बाई है और दोनों 4G सिम इसमें काम करेंगी। तो चलिए ये तो रही इस बॉक्स की बात, जल्दी से आप कर लेते हैं इसको ओपन और देखते हैं कि इसके अंदर स्मार्टफोन हमें कैसा मिलने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पर इन स्ट्रिप्स को हम हटा देते हैं जल्दी से, और स्ट्रिप्स हटाने के बाद इस बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। और ये इसका बॉक्स हो गया है ओपन। तो बॉक्स ओपन करने के बाद यहाँ एक सब सेक्शन है जिसमें जाहिर सी बात है कवर और कुछ ग्रंथ पुस्तकाएं मिलेंगी, जाहिर सी बात है। और ये एक कवर इसमें दिया हुआ है, कवर की क्वालिटी को हम यहाँ चेक कर लेते हैं। तो कवर की अगर क्वालिटी की बात करें तो ये एक ट्रांसपेरेंट कवर है, लेकिन ये सिलिकॉन मेटल का नहीं है, यानी कि ये थोड़ा सा हार्ड केस में आपको मिलने वाला है। और अगर इसके डिज़ाइन की बात करें ना तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एकदम क्लीन ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है, जबकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो मोज़ेक डिज़ाइन मिलेगा, यानी कि जो ग्लास रहते हैं जिसमें आर पार नहीं दिखता लेकिन उजाला आता है, उस तरह के कुछ डिज़ाइन में आपको यहाँ मिलने वाला है। इसके साथ यहाँ पर आपको ये जो एक कार्ड है वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट का, ये आपको मिलने वाला है। साथ यहाँ पर कुछ ग्रंथ पुस्तकाएं जो हम अक्सर नहीं पढ़ते हैं वो भी यहाँ पर लंबी चौड़ी एक ग्रंथ पुस्तकाएं दी हुई हैं, हम इसको भी पैक करके ही रख देते हैं। और उसके बाद यहाँ बात करें तो नीचे की तरफ यहाँ पर फ़ोन रखा हुआ है, सबसे नीचे की तरफ यहाँ पर आपको मिल जाती है एक USB माइक्रो USB केबल है ये आप देखेंगे। साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है एक चार्जर जो आई थिंक 5 वाट का चार्जर होगा, और ये एक काफ़ी ऑर्डिनरी चार्जर है। खैर ये तो रही इस बॉक्स की बात, अब देख लेते हैं कि ये स्मार्टफोन हमारा कैसा है। तो यार अब बात करते हैं स्मार्टफोन की, तो यहाँ पर एक ऊपर की तरफ जो कहना चाहिए एक स्टिकर लगा हुआ है, उस पर इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन का जिक्र किया गया है। विजन 2S इसका मॉडल नंबर है, इंडिया का विज़न, ये हैशटैग जाहिर सी बात है कंपनी अपने आप को प्रमोट करने के लिए हैशटैग चला रही है। 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है जो आती है AI पावर मास्टर के साथ, यानी कि आपकी जो बैटरी है ना यार वो कहीं ना कहीं AI टेक्नोलॉजी की मदद से सेविंग का काम होगा और बैटरी जो है ना वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। 6.52 लगभग 6.5 इंच का आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिलने वाला है और ये HD+ रिजोल्यूशन के साथ आएगा, जो कि एक IPS वाटर ड्रॉप डिस्प्ले है। यहाँ ऊपर की तरफ अगर बात करें तो ये वाटर ड्रॉप डिस्प्ले है। साथ ही आपको यहाँ पर 2GB रैम के साथ 32GB का स्टोरेज मिलने वाला है जो कि ऑन बोर्ड स्टोरेज है, इसमें मेमोरी कार्ड अलग से आप लगा पाएंगे। फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक आपको यहाँ मिल जाता है। साथ ही आपको 8 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिलता है जो कि आता है AI विजन कैटेगरी के साथ।
अगर हम इस स्टिकर को अब जल्दी से यहाँ रिमूव कर लेते हैं और देख लेते हैं कि फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो किस तरह का है, तो इसको मैंने कर दिया है अलग। अब अगर इस फ़ोन के डिस्प्ले की बात करें, फ़ोन के जो डिज़ाइन की बात करें, तो यहाँ राइट साइड की तरफ आपको यहाँ मिल जाते हैं कुछ बटन, जो यहाँ पर अगर नीचे की तरफ बात की जाए, मैं शायद आपको दिखा पा रहा हूँ कि नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये देखिए, ये नीचे की तरफ जो पावर बटन है, इसके ठीक ऊपर आपको वॉल्यूम रोकर की मिल जाती है। अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड पूरी की तरह पूरी की पूरी क्लीन है। ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक का एक ऑडियो जैक मिल जाता है। नीचे की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट के साथ, USB माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट के साथ एक प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाता है। तो ये तो रही इसके डिज़ाइन की बात। अगर इसके ठीक पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 8 मेगापिक्सल का AI डुअल कैमरा। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो ऊपर 8 मेगापिक्सल का लेंस है, उसके ठीक नीचे एक VGA लेंस है जो जाहिर सी बात है आपके बैकग्राउंड के इफेक्ट को कवर करेगा। नीचे की तरफ आपको एक LED फ्लैश मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। सबसे नीचे आइडियल की ब्रांडिंग है, उसके नीचे एक स्पीकर ग्रिल दी हुई है। तो ये रही फ़ोन के बैक साइड की बात। अब इसको जल्दी से कर लेते हैं ऑन और देखते हैं इस स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर और इंटरफेस कैसा है। तो यहाँ पर हमारा स्मार्टफोन हो गया है ऑन। अगर आप यहाँ बात करें तो देखिए एंड्रॉयड 11 का जो गो एडिशन है उसके यहाँ पर आपको आइकॉन नज़र आते हैं। यहाँ पर जल्दी से फ़ोन के हम दूसरे जो फीचर हैं और इसका हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ़ोन की सेटिंग में और यहाँ पर हम चले जाते हैं अबाउट फ़ोन में, सिस्टम में हम चले जाते हैं। और यहाँ पर अब मैं आपको जल्दी से यहाँ दिखा देता हूँ कि क्या आपको मिलने वाला है। स्क्रीन यहाँ पर आप देखेंगे तो 6.5 इंच की आपको स्क्रीन दी हुई है। 5000 mAh की बैटरी है। कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल का, साथ ही आपको एक AI लेंस भी मिलने वाला है। CPU की अगर बात करें तो 8 कोर का CPU है। 2GB रैम आपको मिलने वाली है। 32GB का आपको स्टोरेज मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के कैमरा की। तो यहाँ मैंने कैमरा को कर लिया है क्लिक और जल्दी से आपको पहले इसके बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। यहाँ अगर शुरू में बात की जाए तो एक आपको शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए एक फीचर आपको अलग से मिलने वाला है। जाहिर सी बात है कि आजकल शॉर्ट वीडियो का बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है। इंस्टाग्राम की बात हो या बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पर शॉर्ट वीडियो बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो का एक पूरा ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको फुल HD और HD के दो रिजोल्यूशन आपको मिल जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप कुल मिला के दो रिजोल्यूशन के साथ वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ फ़ोटो की बात की जाए तो ये जो है फ़ोटो का एक ऑप्शन दिया है। ब्यूटी मोड जो है वो मिल जाता है यहाँ पर। पोर्ट्रेट मोड आपको अलग से मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ आप यहाँ पर जो एक टाइमर है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मोर की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर पैनोरामा शॉट्स मिलता है। लो लाइट में अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। HRD मोड दिया हुआ है, साथ ही आपको प्रो मोड भी मिल जाता है। आप मैनुअल इस स्मार्टफोन के कैमरा की सेटिंग को यूज कर सकते हैं। फ्लिप कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो फ्रंट कैमरा है वो अब आ गया हमारा सामने। लगभग वो सारे फीचर जो हमें रियर कैमरा में मिल रहे थे वो यहाँ पर भी मिल जाते हैं। अब हम जल्दी से यार यहाँ एक फ़ोटो क्लिक करके देख लेते हैं और देखते हैं कि यार ये जो है वो कितने कमाल की फ़ोटोग्राफी होती है इसके कैमरा से। तो यहाँ पर एक मैंने फ़ोटो क्लिक किया है इसी के कवर का और आपको जल्दी से यहाँ पर जूम करके मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह की इसकी क्लियरिटी है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि फ़ोटो जो है वो बहुत बेहतर नहीं आई है। कैमरा की जो क्वालिटी है, जाहिर सी बात है यार इस समय हम रोशनी में जो है CFL की रोशनी में हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो नेचुरल रोशनी की तुलना में ये फ़ोटो जो है वो बहुत अच्छा नहीं आया। नीचे की तरफ का एरिया काफ़ी ब्लर और काफ़ी धुंधला सा नज़र आ रहा है और जाहिर सी बात है कि इस तरह के फ़ोटो शायद आपको पसंद नहीं आए। एक फ़ोटो हम थोड़ा सा जो है एक अलग तरह से इसके ऊपर से जाके हम एक क्लिक कर लेते हैं और इस फ़ोटो को अब एक और बार देखते हैं। ये ठीक मैंने इसके टॉप पे जाके लिया तो कुछ बेहतर रिजल्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो कैमरा की क्वालिटी सो है, लेकिन जाहिर सी बात है यार इतने कम कीमत में आपको इतना अच्छा कैमरा भी नहीं मिलेगा कि जिससे आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर पाएँ।
जहाँ तक इस फ़ोन की कीमत की बात है तो इस फ़ोन की कीमत है 6,999 रुपये, यानी कि इस कीमत में आपको एक अच्छा खासा फ़ोन मिलने वाला है। और ये फ़ोन कहीं ना कहीं जो भारतीय बाज़ार उसमें Xiaomi, Redmi, Oppo, Vivo जैसी कंपनियों के जो सस्ते स्मार्टफोन हैं उनको ये टक्कर देता हुआ नज़र आता है। इस फ़ोन को आप ग्रेडियंट पर्पल, ग्रेडियंट ब्लू और डीप ब्लू के 3 कलर वेरियंट में ख़रीद सकते हैं। 4G नेटवर्क को सपोर्ट करता है, VoLTE भी है, यानी कि आप डेटा के थ्रू जो है वो कॉलिंग कर सकते हैं। तो यार ये है आईटेल का विज़न 2S, जो जाहिर सी बात है Xiaomi, Realme जैसी जो कंपनियां हैं वो जो अपने स्मार्टफोन को भारतीय बाज़ार में कम कीमत में बेच रही हैं उनसे कहीं ना कहीं अपने आप को डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन के मामले में थोड़ा सा अलग करता हुआ नज़र आ रहा है। इस स्मार्टफोन का सबसे अच्छी जो मुझे बात लगी वो है थोड़ा सा ये वजनदार है। अगर आप इसको अपनी पॉकेट में रखते हैं, अपने हाथ में पकड़ते हैं तो लगता है कि यार आपने कुछ एक प्रीमियम स्मार्टफोन अपने हाथ में ले रखा है। और शायद ये जो इसकी बात है ना यार, ये मुझे थोड़ा सा इन स्मार्टफोन की कंपनियों से इसको काफ़ी अच्छा भी बनाती हुई नज़र आ रही है। तो अगर आप 7,000 रुपये के इस कैटेगरी में कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और आप हैं कन्फ्यूज, तो आप आँख बंद किए इस स्मार्टफोन पर दाव लगा सकते हैं। मेरी गारंटी है कि आपको ये फ़ोन निराश नहीं करेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले फिर वही ज़रूरी बात कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें और आप नए गैजेट्स के बारे में, नए नए स्मार्टफोन के बारे में तेज़ी से और सबसे पहले जान सकें। तो चलिए एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।